नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं डीके टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं टूटा फूटा रूबिस क्यूब है और इसे हम कैसे जोड़े, आज का वीडियो यही टॉपिक पे होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही सिंपल है जोड़ने के लिए, बस कुछ ध्यान में रखते हुए जोड़ना है। चलिए आपको बताते हैं कैसे जोड़ते हैं। जैसे वाइट है, बोले आपको कॉर्नर्स जो होते हैं, ऐसे कॉर्नर्स आप देख लीजिए जो मेरे हाथ में हैं, इसको 8 गिनकर आपको अलग रख लेने हैं। तो मैं देखिए गिन रहा हूँ, अभी देखिए 4 हुए हैं और भी कॉर्नर्स मैं ढूंढ लेता हूँ। तो देखिए मैं ढूंढ रहा हूँ और 8 पूर कर। रूबिस क्यूब सोल्व करना, ऐसा बनाना बहुत आसान है। बस आप देखिए यहाँ पे 2 कलर बच रहे हैं जो कि लाल है और नीला है, तो हमें लाल और नीला ढूंढ लेना है। जैसा कि देखिए लाल और नीला ढूंढ लिया, फिर आपको इसी जगह पर ऐसे ऐसे फिल कर देना है। देखिए कैसे मैं फिल कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे आपको मिला के ऐसे थोड़ा के दाब देना है आपका, ऐसे देखिए अभी देखिए अच्छे से आपको क्यूब को पकड़ के रखना है, फिर आपको इसे आराम से ऐसे लगा देना है। अभी देखिए आपका ये पूरा कंप्लीट एक प्लस बन रहा है जो कि आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी मुझे बीच वाली लेयर को बनाना है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
तो सिंपली वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है जैसा कि आप देख रहे हैं, वाइट और नीला आप बनाना है ऐसे ऐसे सारे। अब देखो येल्लो बनाना है आपको और यही ब्लू बनाना है जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसा ऐसा आपको यहीं पे फिल कर देना है जैसा कि आप देखिए। अब आपको ग्रीन और येल्लो बनाना है जैसा कि ये देख सकते हैं, ऐसे आपको फिल कर देना। अब ये वाला बचा, ये वाला फिल हो गया। अब आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, जैसा कि देख सकते हैं पूरा कंप्लीट प्लस बन चुका है। अब आपको कॉर्नर्स को सेट करने हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, 8 कॉर्नर्स को सेट करने हैं, लेकिन इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। चलिए आपको बताते हैं ये भी कैसे सेट करें। तो सिंपली अपने क्यूब को आप कैसे भी पकड़ सकते हैं, बस आपको इसमें पहले आप दो दो को अटैच करते थे, अब तीन तीन को आपको अटैच करना है। जैसा कि यहाँ पर देखिए पीला है और ये इसमें नहीं लगेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये फिल होगा जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें तीन कलर हैं तो आपको ऐसा जगह पे लगाना है जहाँ पे ये बन जाए। देखिए ऊपर लाल बन रहा है और देखिए नीचे येलो बन रहा है और उधर ब्लू बन रहा है, तो ऐसा देखिए यहाँ पे फिल हो गया। और ऐसा कलर यहाँ पे भी देखना है जो लगे हरा लाल और येलो, देखिए यहाँ पे मिल गया है। देखिए आप कैसे मैंने सेट किया। ये वीडियो बहुत ही आसान भाषा में आपको बताई गई है, इसलिए आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब ऐसा यहाँ पर भी फिल करना है, ये देखिए, ये देखिए कितनी आसानी से फिल हो रहा है। अब तीन कॉर्नर ऐसे बच गए हैं तो आपको भी वैसे ही फिल कर लेना है। चलिए फिल करते हैं और आप देखिए ये कॉर्नर्स को सेट करना है जैसा कि वाइट देखिए और ये देखिए यहाँ पे फिल होगा। जैसे यहाँ पे तीन कॉर्नर्स थे तो आपको तीनों कॉर्नर्स सेट कर दिया। अब यहाँ पे भी वैसा ही करना है आपको, देखिए वाइट ऊपर और लाल उधर और ग्रीन ग्रीन नहीं ब्लू उधर, देखिए यहाँ पे भी वैसे ही सेट करना है। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छे से दबोड़ देंगे, फिल हो जाएगा। ये एक बचा, अभी एक आपको ऐसे सेट कर देना है ऊपर की तरफ करके, ऐसे देखिए आपका पूरा क्यूब आसानी से सोल्व हो गया। तो वीडियो का चला के लाइक करें और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे भाई की आपका भाई का चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।